Hi everyone. So yesterday and day before yesterday, I'd been telling you about glycemic load and glycemic index. So some questions came. कि क्या सिर्फ glycemic index और glycemic load calculate करने से हमारे food का nutrition पूरा मालूम पड़ जाएगा? So I wanted to answer this question. The answer is no. So glycemic index and glycemic load. Gly word represents carbohydrates. So glycemic load से हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का इम्पैक्ट देख रहे हैं अपनी पैनक्रियास पे और इंसुलिन पे, पर हम अपने जब न्यूट्रिशन मैनेज कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मैनेज नहीं कर रहे होते, हम पूरे टोटल कैलोरीज मेंटेन कर रहे होते हैं कि क्या हम पूरी कैलोरीज ले रहे हैं जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत है. हम प्रोटीन इनटेक मैनेज कर रहे होते हैं क्योंकि प्रोटीन एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं और एमिनो एसिड्स हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, नॉट ओनली टू कंस्ट्रक्ट सेल्स बट एंजाइम्स, हॉर्मोन्स और भी बहुत सारे एक्शन रिएक्शंस में हमारी बॉडी में प्रोटीन की जरूरत होती है. तो होल न्यूट्रिशन मैनेज करने में हम प्रोटीन भी मैनेज कर रहे होते हैं, हम फैट का इंटेक, गुड फैट का इंटेक भी मैनेज कर रहे होते हैं क्योंकि फैट बॉडी में जाके फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं. तो कैलोरीज मेंटेन कर रहे हैं, प्रोटीन मेंटेन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, फैट भी अच्छा मैनेज कर रहे हैं और साथ में अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी ध्यान रख रहे हैं कि हम सारे विटामिंस, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट्स भी अपने डाइट में कंज्यूम कर रहे हैं. तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट कार्बोहाइड्रेट, पर कार्बोहाइड्रेट क्योंकि इस वक्त हमारे खाने में 70-90% होता है और वही डोमिनेटिंग फूड है राइट नाउ, तो अगर हम उसको कम करना चाह रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट समझने के लिए हम ग्लाइसेमिक लोड को समझते हैं. बट दैट्स नॉट होल ऑफ इट, दैट्स वन पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन.